5 अक्टूबर 1925 में कनाडा के ओंटेरियो में जन्मे कीथ लियोन मूर, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर थे, वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिक एनाटॉमिस्ट के संस्थापक भी रह चुके हैं और बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1980 में मूर को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में शरीर रचना और भ्रूण विज्ञान पर लेक्चर देने के लिए भी बुलाया गया। कीथ लियोन द डेवलपिंग ह्यूमन क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी नामक पुस्तक में कुरान के संबंध में लिखते हैं, मध्यकाल के दौरान विज्ञान का विकास धीमा था। 7वीं सदी में इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में हमें भ्रूण विज्ञान के संकेत मिले, जिसमें मानव की उत्पत्ति पुरुष और महिला के मिलाप से स्रावित एक मिश्रण से होती है। कुरान में ऐसे कई संदर्भ मिलेंगे जहां कहा गया है कि वीर्य की एक बूंद से मनुष्य की रचना की गई है, और ये भी कहा गया है कि आरंभ के 6 दिनों में बीज के जैसा गर्भ ठहरता है, फिर जोंक के जैसा भ्रूण बनता है और बाद में भ्रूण एक लेजदार पदार्थ का रूप ले लेता है।